मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज है संडे, रविवार का दिन है, तो बस काम सारे हो चुके हैं। मतलब अभी नाश्ता लंच अभी कुछ नहीं बना है, बस ये खा के निकल गए हैं। कहीं इनको जाना था तो ये थोड़ा जल्दी ही निकल गए हैं, उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई और नाश्ता मैं बाद में ही बनाऊँगी। राधे राधे, आप सभी कैसे वही हो? आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो दिन है आज रविवार और टाइम 11 बज गया है और बस मैं नहा चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो बर्तन मैंने धो लिए है, तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ पूजा। पूजा करने के बाद मिलती हूँ आप सभी से। सीधा पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में और मैंने चाय चढ़ा दी है। तो बस यहाँ पे चाय में मैं अदरक डाल रही हूँ और साथ के साथ मुझे अब नाश्ता की भी तैयारी करनी है। और इनके लिए जब मैंने सुबह पराठे बनाए थे प्याज के, तो अब आटा रखा था थोड़ा सा रात का, तो बस उसी के मैंने बना दिए। और सिस्टी प्यू उठ नहीं रही थी, आज संडे है तो सिस्टी संडे को थोड़ा लेट ही उठती हैं। मैं बोलती रही उठ जाओ उठ जाओ, तुम लोगों को भी मैं नाश्ता करवा देती हूँ उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँ, लेकिन ये लोग उठी नहीं तो मैं अपने कामों में फिर लग गई। तो बस यहाँ पे मैं आटा लगा लेती हूँ, तो आटे में मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी और अजवाइन थोड़ा सा मसल के डालो तो अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में मैं नमक डाल दूँगी और एक सिंपल सा आटा लगाऊँगी। और थोड़ा सा आटा मतलब सॉफ्ट ही लगाना है, पराठे वगैरह का आटा हमेशा सॉफ्ट लगाना चाहिए ताकि पराठे बढ़िया से भर जाते हैं उसमें। मतलब जो मसाला बनाओ, प्याज के, गोभी के, आलू के, किसी के भी बनाओ, वो अच्छे से भर जाता है और फिर बेलते भी बनता है। अगर टाइट आटा होता है ना तो पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। तो बच्चों वो मेरी आदत है कि मैं मतलब जैसे पराठा वगैरह मुझे सेक के कभी मतलब रखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि गरम गरम बनाते जाओ और गरम गरम कोई खाता जाए तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसी वजह से फिर मैंने आटा भी नहीं लगाया, मैंने कहा चलो ये उठेंगी तब तक मैं मतलब मैंने सोचा चलो मैं अपनी पूजा वगैरह और सारे काम निपटा लेती हूँ, मतलब काम निपटाऊँ फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई। फिर मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ उसके बाद ही अब मैं नाश्ता बनाऊँगी, अब थोड़ा सा तुम लोग इंतज़ार करो। तो बस ये लोगों को भूख लगी थी तो बस साथ के साथ दूध भी आ गया, और मैं जब पूजा कर रही थी तब भी दूध वाले भैया आए, दूध भी ले लिया मैंने। मतलब मैंने नहीं लिया था, सिस्टी ने लिया था, इसलिए मैंने सिस्टी से कहा जग में ले लेना क्योंकि ये भगोना वगैरह में डर सा लगता है कहीं गिरा ना दें दूध। तो बस यहाँ आटा लग गया है और प्याज मैंने पहले ही काट के रख लिया था क्योंकि सिस्टी को आज प्याज के पराठे खाने थे, उन्हें प्याज के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस चलिए मैं बनाती हूँ प्याज के पराठे। तो यहाँ प्याज में हरी मिर्च है, अदरक है वगैरह ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं मसाले में। और प्याज का पराठा चाय चटनी के साथ बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन हरी धनिया आजकल आ नहीं रही है तो मैंने चटनी नहीं बनाई है, ये लोग सॉस के साथ खाएंगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को प्याज के पराठे पसंद हैं कि नहीं, आपके यहाँ प्याज के पराठे बनते हैं, आपके बच्चे पसंद करते हैं कि नहीं। मेरे यहाँ सिस्टी को तो बहुत पसंद है प्याज के पराठे और मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ना सॉस के साथ नहीं, मुझे वो जैसे चटनी के साथ पसंद है, चाय के साथ है, और मुझे एक वो बुकनू आता है जो आंवला वगैरह का बना होता है उसके साथ मुझे प्याज के पराठे बहुत पसंद हैं। तो ये देखिए एक बन गया है, तो आ जाइए आप लोग भी, अगर आपको प्याज के पराठे पसंद हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ सृष्टि को तो बहुत पसंद है, बोल के गई है मम्मा 2-3 बना देना, मैंने कहा खाओ मैं बनाती जा रही हूँ, तो मैं जितने खाने हैं उतने खा लो, उसको बहुत पसंद है।
प्याज के पराठे बन चुके हैं, इन लोगों ने खा लिया है, तो साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। बस मैं तो थोड़ी सी चाय ही लूँगी, क्योंकि मैंने सुबह जब इन्होंने नाश्ता किया था तभी मैंने एक पराठा खा लिया था, तो बस दोबारा से मैंने चाय चढ़ा दी थी कि थोड़ी सी चाय मैं भी ले लूँगी, क्योंकि नहा के आई हूँ तो चाय का, आजकल सर्दियाँ हैं तो चाय का थोड़ा बहुत मन कर ही जाता है। तो बस पराठे वगैरह मैंने इन लोगों को खिला दिए हैं, तो दोपहर के लंच की तैयारी भी मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मुझे लगा कि मैंने काफ़ी दिन से मसूर की दाल, ये लोग दाल चावल बोल रही थी, तो मैंने सोचा अरहर की दाल छोड़ो, मैं मसूर की दाल और मिक्स चने की दाल मिक्स करके बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल वगैरह मैं भिगो के थोड़ी देर के लिए ऊपर जाऊँगी, क्योंकि मैं नहा के सीधा किचन में आ गई थी, थोड़ी देर धूप में बैठूँगी तो बाल वगैरह सूख जाएंगे, वहीं ये प्याज वगैरह लेते जाऊँगी, और कपड़े वगैरह धुल गए हैं तो वो भी डाल दूँगी। और कपड़े मैं ले आई हूँ तो ये हैं टेबल के कवर, ये दोनों ही कवर, दो कवर मतलब टेबल पे पड़े रहते हैं, पुराना वाला नीचे पड़ा रहता है, उसके ऊपर मैंने नया डाल दिया है ताकि वो जो नया है वो खिसकता नहीं है। दोनों ही कवर पीयू ने बर्बाद कर दिए हैं, दोनों पे ही मतलब ड्राइंग कर कर के रंग डाल दिया था, तो फिर मैंने दोनों ही मतलब बाथरूम में धोए बैठ के रगड़ के, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में तो धुलते नहीं है, तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए, तो बस मैं कॉम वगैरह करके कर लेती हूँ। तो बस मैं आ गई नीचे, और सबसे पहले मैंने पीयू को नहलाया, और आज संडे है तो इनके बाल वगैरह भी धो दिए। हेयर बैंड कहाँ है आपका? हेयर बैंड लगाना, थोड़ा धूप में बैठेंगी, क्योंकि धूप मतलब सर्दियों में बच्चों को धूप में थोड़ा बिठाना जरूरी रहता है। ये प्याज मैंने तो यहाँ पे साथ के साथ मैं कढ़ाई भी चढ़ा गई थी, मैंने कहा जब तक ऑयल वगैरह, फटाफट मैं ऑयल डालती हूँ। दाल उबल गई है, दाल में मैं लगाऊंगी तड़का, उसकी कूड़े वाली गाड़ी की भी आवाज आ रही, वो भी आ गए कूड़ा वाले लेने। तो ये काटा मैंने फटाफट, जाओ ऊपर थोड़ी देर के लिए, हींग तो अभी डाली नहीं, हींग भी डालनी है, तो प्याज डाल देती हूँ। तो मैंने फटाफट ये धनिया पीस लिया, और मैं घर में ही पीसती हूँ, धनिया पीस के भर लेती हूँ मैं इसमें। और धनिया खत्म हो गई थी तो मैंने ये धनिया भी पीस लिया, साबुत धनिया मैं रखती हूँ घर में ही पीसती हूँ, पैकेट नहीं मंगाती हूँ बाजार का, धनिया मंगा लेती हूँ जब जरूरत पड़ती है तब, अपना पीस के रख लेती हूँ घर में ही मतलब। तो ये देखिए मसाला बढ़िया सा हो गया है, टमाटर ज़्यादा नहीं गलाने हैं, ठीक ठीक मीडियम से गलाने हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा दाल मखनी मसाला भी ऐड किया है, तो बस यहाँ पे दाल भी अच्छी गल गई थी तो दाल भी मैंने डाल दी है, और इसी तरीके की दाल गलनी चाहिए,
मतलब ऐसे नहीं कि पानी अलग हो, दाल अलग हो, दाल मसूर की और चने की जो दाल होती है बढ़िया सी गल जाए तो दाल मखनी काफ़ी अच्छी बनती है। तो बस साथ के साथ इसी कुकर में मैं चावल चढ़ा देती हूँ। दाल और चावल बन गए हैं तो फिर बस मैं इन लोगों के लिए निकाल देती हूँ। चावल में अभी थोड़ी सीटी है और साथ में लस्सी भी बन गई है। आ जाइए आप लोग भी, लंच करते हैं। दाल मखनी, चने की दाल डाल के बनाई है आज मैंने दाल मखनी। खाना पीना हो चुका है तो अब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। तो इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यही करूँगी। मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। तब तक ब्लॉग पसंद आएगा इस तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। प्यू बाय बाय बोलो। बाय बाय प्यू, बाय बाय प्यू, सभी को बोल रही है बाय बाय। और आज संडे है तो संडे को बच्चे फ़ायदा भी उठाते हैं, उस दिन इनकी छुट्टी रहती है। तो घर में सुबह इनकी पढ़ाई वढ़ाई हो गई है, तब खाली हैं तो बस मैं आई ऊपर आराम करने थोड़ा सा। मैंने कहा धूप है, चलो धूप अभी लेते हैं क्योंकि अभी टाइम ऐसे ही 2:30 या 3 बज रहा है। तो अभी पीछे से आ गई हैं और लेके आई शैडो मेकअप, आँखों का मेकअप करने के लिए कि मम्मा मैं आपका आँखों का मेकअप करूँ। मैं मना भी कर रही हूँ कि मत करो, क्या फ़ायदा है, मतलब क्या मतलब लगाने का, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, ज़बरदस्ती। ठीक तो लग रहा देखो, वीडियो में देखेंगे कैसा लग रहा है आँखें बंद करके। ये देखिए, नहीं आप किसी का नहीं करना, रख तो दो, बर्बाद करने में लगी होंगी। जाओ रख क्या, हाँ तो इतना सा हो चाहे उतना सा, बर्बाद तो ना करो। महंगा आता है पता कितने का है, 300 रुपये का है। तो ये देखिए सिस्टी ने, आज नहीं चल रहा है घर में नेट, तो सिस्टी बोर हो रही थी तो हवा अपनी बोरियत हमारे ऊपर निकाल दी। हाँ अब ऐसा भी मेकअप हो तो थोड़ा और कर देती हूँ। आंखें बंद रखो ना, खोलते क्यों आप? अब बस इस जी फालतू में क्यों कर रही हो, कहीं जाना आना हो तो ठीक लगता मुझे, कहीं जाना नहीं है ऐसे बिना बात के लगा के और फिर उसको पोछो। गंदी आंखें, अब देखो कैसे ये क्या कर दिया, ठीक लग रहा है अब, ये अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसे मेकअप चलता नहीं है, ऐसा मेकअप हम तो पहली बार देख रहे हैं। वाइट वाइट कर दी। चढ़ो तो तुम सीधे रखे हो, सीधी थोड़ी थोड़ी कर करके बर्बाद कर रही हो। सब बताएंगे कितना अच्छा किया मेकअप तुमने। हम पहुँच लें खुद ही इतनी बुरी तरीके से पहुँच रही दीदी, हमसे पंगा नहीं ले, चलो निकले यहाँ से, मेकअप भी कर दो और पंगा भी ले रहे हैं।